मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रू नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको, आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं, उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती, तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है, आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है, और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में दो औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है, उनकी योनियों, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है, उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, FIR हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सेकंड है मणिपुर के लिए। 77 दिन बाद स्मृति ईरानी जी आप जागी हैं, इतनी देर लग गई आपको आते आते। प्रधानमंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है। इतनी नाकाम, इतनी निकम्मी, इतनी नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं आप। आपको इल्म नहीं था ऐसा हुआ हो, क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मणिपुर में इंटरनेट बैन है, ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं। और मीडिया के मेरे साथियों, अगर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर दो शब्द, दो सवाल पूछे होते मणिपुर पर, तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता, आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती, आज सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसंस नहीं लेनी पड़ती मणिपुर की। लेकिन प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी से ज्यादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो दो शब्द हैं जो आपने मणिपुर पर बोले। आपका दिल पीड़ा से भरा है, आपको क्रोध है, ना आपकी पीड़ा दिखती है ना आपका क्रोध दिखता है, क्योंकि दिखती वो दो नंगी औरतें हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था, और आप विदेशों की यात्रा करते रहे, आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे। माफी मांगिए मणिपुर से, माफी मांगिए मणिपुर की औरतों से, माफी मांगिए देश की हर उस औरत से जिसको आज लगता है कि वो निर्वस्त्र है, जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको, दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं आप।